हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी लोकेशन को किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग भी एक बेस्ट जीपीएस स्पूफर की तलाश में हैं, जिसको यूज़ करके आप लोग बैन गेम्स को खेल सकें, या फिर आप लोग अपनी फेक जीपीएस लोकेशन अपने फ्रेंड्स को शो करा सकें व्हाट्सएप पे या फिर स्नैपचैट पे, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मोकपोको को। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चेंज योर लोकेशन और रूट टू एनीवेयर। सिंपली यहाँ पे डिस्क्लेमर बटन पर क्लिक करके स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिवाइस चूज़ करनी है। यहाँ पे आप लोग अपना iOS भी कनेक्ट कर सकते हैं और एंड्रॉयड भी, ये iOS 17 को भी सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पर अपना एंड्रॉयड कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा एंड्रॉयड आप देख सकते हैं शो हो रहा है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप लोग इसको पोकेमोन गो के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मॉन्स्टर हंटर नाउ के लिए, या फिर सोशल मोड के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं पोकेमोन गो को खेल के देखने वाला हूँ, तो इसके लिए हम इस मोड को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं इसने रिसोर्सेज को डाउनलोड कर लिया है। एंटर के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये हमारी करंट लोकेशन शो हो रही है। लेफ्ट साइड में आपको एक सर्च बार शो हो रही है, और राइट साइड में आपको बहुत से ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जिसमें चेंज लोकेशन का टैब है, सिंगल स्पॉट मोड है, मल्टी स्पॉट मोड है, और जंप टेलीपोर्ट मोड मौजूद है। नीचे हमें यहाँ पे जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग चेंज लोकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सर्च बार में कोई भी लोकेशन को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जो कि हम चेंज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पेरिस लिख लेता हूँ। यहाँ पे इसकी फेमस स्टेट्स शो हो जाएंगी। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम लोकेशन मेरे मोबाइल में भी चेंज हो चुकी है। मैं यहाँ पे किसी और कंट्री को सर्च कर लेता हूँ। तो चेंज लोकेशन को यूज़ करके आप लोग किसी भी कंट्री की लोकेशन शो करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल स्पॉट मोड की। इस पर क्लिक करके आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना रूट सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे स्पीड सिलेक्ट कर लेनी है। आप लोग वॉकिंग स्पीड, साइकिलिंग स्पीड, बाइक की स्पीड या फिर कार की स्पीड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गो के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको पूछेगा आप लोगों को राउंड ट्रिप सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके के बटन पर क्लिक करते ही ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये मेरे पीसी में मूव हो रहा है, उसी तरह ही ये मेरे मोबाइल में भी मूव हो रहा है। तो इसने अपना रूट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टी स्पॉट मोड को सिलेक्ट करके मल्टीपल पॉइंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पीड को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद गो के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो इसने यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, कुछ ही देर में ये अपना रूट कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जंप टेलीपोर्ट मोड आ जाता है। इसको सिलेक्ट करके आप लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जंप करके टेलीपोर्ट हो सकते हैं। सिंपली अपने यहाँ पे लोकेशन को चूज़ कर लें, गो के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे जंप करना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम लोग जॉयस्टिक की बात करें, इसको यूज़ करके आप लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी ट्रैक्शन में अपना मूव कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको ट्राई करके अपनी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं कौन न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।